बोलेंगे बाद में वॉइस ओवर करेंगे। आज हम जो भैया को मोटिवेट करते हुए जा रहे हैं कि भैया आज पेपर अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग की आखिरी पेपर है, कल वाइवा है। आज ही देखिए, आज ही आप उखाड़ेंगे, सब रिकॉर्ड हो रहा है तुम लोगों का, कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तुम लिखोगे, आज तुम भी कॉपी ले लेना भाई, मिलती नहीं कोई बात नहीं, चोरी करके लिख देना। इन दोनों की बकवास सुनने के बाद मैं सीधा चली गई थी एग्जाम देने, और आज ये मेरा लास्ट एग्जाम, जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा। ये रही मैं आफ्टर एग्जाम, और आज मैं स्लीपर पहन के ही एग्जाम देने चली गई थी, क्योंकि इतनी गर्मी है पूरे पैर में स्वेटिंग हो जाती है। पता है आज था हम लोग के लास्ट सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम, जैसा कि आपको मैंने बताया, तो बॉटल ही गायब रही। काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि ना अब ऐसा कोई सेमेस्टर नहीं है हम लोग के पास जो आए। वैसे अभी दो दिन हम लोग का वाइवा होगा एंड देन फेयरवेल होगा, और उसके बाद भी अभी कॉलेज में रहना है कुछ दिन तक, कुछ ना कुछ तो है ही। लेकिन ये है कि हमारा सेमेस्टर कोई नहीं आने वाला है, लास्ट का लास्ट एग्ज़ाम अब हम लोग के सेमेस्टर नहीं होंगे। जब फर्स्ट सेमेस्टर आए थे वो मिक्स फीलिंग थी, एंड ये एकदम ही मिक्स वाली है। एक बॉटल यहाँ पर फिल कर लिया है, और एक बॉटल मैं रखने वाली हूँ फ्रिज के अंदर में। गर्मियों में तो भाई पानी पानी ही पानी दिमाग में चलता है, कितना पानी पी जाए समझ नहीं आता है। तो ये एकदम चिल्ड पानी मैं लेके चली रूम में। अब मेरा रूम देखो, ये है नीचे का हॉस्टल, ऊपर है मेरा रूम, इसलिए मेरे रूम में और ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि एकदम टॉप फ्लोर पे है। अपने हॉस्टल में निकलने से पहले मैंने सोचा है अभी तो काफ़ी दिन तक रहना, मतलब अप्रॉक्स एक महीने से भी ज़्यादा मुझे रहना पड़ेगा यहाँ पे, जब तक कहीं और नहीं शिफ्ट होना पड़ेगा तब तक यहीं पर रहेंगे। तो हॉस्टल टूर आपको जरूर मैं देने वाली हूँ भाई, बहुत धूप है देखो आप लोग, वो वहाँ पे है मेरा रूम सामने, कैन यू सी गाइस, धूप है तो सब कुछ एकदम शाइनी सा दिख रहा है। तो चलते हैं रूम के अंदर, टैनिंग तो चेहरे पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है आजकल, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब बैग के अंदर है चाबी, इसको निकलते हैं, और अभी सब कुछ बताऊँगी आपको कि मेरे लास्ट एग्ज़ाम का जो कैसी कैसी फीलिंग आ रही है आपको एक्सप्लेन करूँगी, और शायद आप रिलेट भी कर पाओगे गाइज। चाबी, आपको ये वीडियो बोरिंग तो नहीं लग रहा है, मे भी हो भी सकता है, क्योंकि यार देखो एग्जाम में फ़ोन अलाउ नहीं रहता, अंदर नहीं ले जा सकते, तो ज़्यादा कुछ था नहीं लास्ट एग्जाम का शूट करने के लिए। लेकिन गाइस कल है वाइवा और परसों भी है वाइवा, दोनों दिन ना मैं लेके चलने वाली हूँ फ़ोन, कॉलेज में अलाउ है, मतलब वाइवा में तो ले ही जा सकते हैं, उस टाइम पे नहीं चला सकते लेकिन लेके जा सकते हैं। एग्जाम में तो क्या होता है कि फोन दूर दूर तक अलाउ नहीं है कॉलेज के अंदर में, तो ऐसा है ना कि वाइवा में आपको सब कुछ बताऊंगी, लास्ट डे भी आने वाला है हम लोग कॉलेज के अंदर, सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगी। कॉलेज से गाइज आते ही मतलब जैसे एग्जाम देके मैं रूम पे अभी पहुंची हूँ ना, मेरे मैसेज नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप का कि कल जो हम लोग का वाइवा है कल और परसों, उसका सीटिंग प्लान कैसे कैसे है, मतलब एक काम नहीं खत्म हुआ। एक चीज़ खुशी नहीं हुई, थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा दुख नहीं हुई कि उसके पहले ही एक दूसरी टेंशन आ गई। तो एक वाइट शर्ट तो मैंने पहना है, इसमें स्वेटिंग हुई हुई है, तो कल वाइवा में तो नहीं पहन के जा सकते हैं। तो ये अपना दूसरा वाला वाइट शर्ट जो कि अभी मैंने रिसेंटली नया लिया हुआ है, इसको अच्छे से धुलूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये भी गंदी स्मेल आ रही है, क्योंकि जब इसको पहना था तो स्वेटिंग हुई थी ऑब्वियसली, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसको चलो धुलते हैं पहले, तो उसके बाद कोई और काम करेंगे। डाल दिया पानी में। जब मैं कॉलेज से आती हूँ ना गाइस, जब मैं अपना फेस सिर्फ वॉश कर लेती हूँ तो ही इतना मुझे सुकून मिलता है, मतलब लगता है पता नहीं कौन सी इतनी बड़ी मेहनत करके आ गई हूँ। तो जब कॉलेज में आई हुई थी, फर्स्ट टाइम कॉलेज गई, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था, मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ था आपने अगर देखा होगा तो देखो एक जो जर्नी की स्टार्टिंग थी, तब ये सोचा था यार कहाँ आ गए हैं, फैमिली से इतना ज्यादा दूर। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रोती धोती रहती थी कि मतलब घर चले जाए, घर में मैं बताती भी नहीं थी कि मुझे कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कैरियर की चीजें हैं, तो इसको तो कैसे भी करके रो के गा के जैसे भी हमें करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें होता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत मतलब स्टार्टिंग के एक महीने ना मेरे ऐसे होते थे, मतलब मैं सोने जाती थी तो मेरे रोना आता था, मैं खाना खाती थी तो मेरे रोना आता था, जो भी चीज़ें मैं करती थी मुझे हर बात पे रोना आता था। आई डोंट नो सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा था तो उसके बीच में कई बार मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अब MBA छोड़ के चले जाते हैं घर, मतलब इसमें कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैसे, पढ़ाई को लेकर नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि मतलब
घर के भी मतलब ऐसा लग रहा था कि चले जाए, अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया, हम सेकंड सेम में गए, थर्ड सेम में गए, अब लास्ट हम लोग का एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम हो चुका है, आज खत्म हो चुका है, तब तक ना पता है एक अलग अटैचमेंट होता है ना कॉलेज से, वो वाइब जो होती है वो बहुत अच्छी लगने लगी, वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगने लगा। और जिनसे कभी भी बात नहीं होती थी, जिन लोगों से बहुत कभी इंट्रैक्शन तक नहीं होता था, एंड तक ना उन लोगों से भी अच्छा इंट्रैक्शन हो गया, अच्छी बातें हो गई, अच्छी वाइब मैच कर गई, और सब कुछ अपना अपना लगने लगा। अभी तो ऐसा लगता है ना घर से यहाँ आने के बाद कि हाँ ये मेरा घर है, मतलब ये वाली फीलिंग नहीं आती कि यहाँ पे पीजी है या फिर कॉलेज जा रहे हैं, तो ये वो ऐसा नहीं लगता। एक बार तो अजीब लगता है, लेकिन लगता है कि हाँ हम अपने घर में है, अच्छा लगता है, एक अटैचमेंट हो गई है। और जब धीरे धीरे अटैचमेंट हुई, अच्छा लगने लगा, तो अब यार ना पता है ये थॉट दिमाग में आ रहा है कि बस कुछ दिन के मेहमान हम और रह गए, एग्जाम तो एटलीस्ट खत्म ही हो चुका है हम लोगों का, अब जो और फॉर्मेलिटीज होती है लाइक छोटी छोटी वो, उसके लिए हम कॉलेज जाएंगे। लेकिन उसके अलावा हमारे पास अब कॉलेज में मतलब एक जो एग्जाम देने वाला वो होता है कि ना एक सेमेस्टर और कुछ महीने और कुछ साल और, ये बीत चुका है। लेकिन जो जर्नी थी मेरी बीबीडी यूनिवर्सिटी की, वो सच में बहुत अच्छी थी। अभी तो आगे एक डेढ़ महीने अभी मेरा चलने वाला है ऐसे ही कॉलेज में, कभी बाय बाय, कभी कुछ तो कभी फेयरवेल, अभी ये सब है। लेकिन जो एक मेन चीज होती है एग्जाम, वो डन हो चुका है, और काफी मतलब अगर सोचो तो इमोशनल भी मुझे काफी ज्यादा फील हुआ अंदर से कि यार अब वो जो पार्ट होता है ना कॉलेज के, हम पार्ट होते हैं हर चीज में, वो हम नहीं रह जाएंगे, ऑब्वियस बात है, और हम कहीं ना कहीं और इंगेज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ और करने लगेंगे, तो वो वाली चीज नहीं हो पाएगी। अब जो होगी इन फ्यूचर वो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अभी तक जो चिल वाली लाइफ थी, कोई टेंशन नहीं होती थी उतनी ज्यादा, तो वो अलग ही था। मतलब ये जो कॉलेज वाली लाइफ होती है वो अब एकदम दी एंड होने वाली है। अपने स्टडी टाइम में गाइज, मैंने इतने दिनों में कभी भी कोई ईयर ड्रॉप नहीं किया हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा जल्दी मेरा हो गया। अभी तो मेरा पेट नहीं भर पाया था मतलब कि कॉलेज लाइफ से और ये सबसे, मुझे मन था कि मैं अभी और दिन रहूं, तो मैंने कहा कि मुझे भी कुछ, मेरा मन है कि काश अभी ये तो एंड है मतलब स्टडी का, हमारा यूजी पीजी सब कुछ डन हो चुका है, अब इसके आगे क्या ही करेंगे। लेकिन ये है ना कि मेरा अभी भी मन है कि मैं कुछ और करूं, मतलब जॉब तो करूंगी ऑब्वियस बात है क्योंकि ये एंड है, लेकिन ये है कि जब मैं जॉब कर लूंगी, जब मेरा मूड होगा इन फ्यूचर कभी ऐसा, तो मैं कोई प्रोफेशनल और कोई कोर्स कर भी सकती हूँ। मेरा बहुत ज्यादा मन है क्योंकि इस चीज से अभी मतलब जो एक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन, वो मुझे नहीं मिल पाया कॉलेज लाइफ से, मुझे और ज्यादा एंजॉय करना है अभी। कॉलेज लाइफ बहुत बहुत अच्छी होती है स्टार्टिंग में, आई नो सबके लाइफ में डिफिकल्टीज होती हैं, आपके पास भी होंगी, लेकिन ये लाइफ सबसे ज्यादा अच्छी लाइफ होती है। इसके बाद आपके लाइफ की रियल जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो स्टार्ट होती है। तो जब भी आप कॉलेज लाइफ में आओ, पूरा फुल एंजॉय करो, पढ़ाई करो, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलने वाली। आज तो ये फीलिंग सच में आ रही है कि ये लाइफ दोबारा नहीं मिलने वाली है, तो एंजॉय करना आप लोग, फुल एंजॉय करना, किसी की कोई बात है मतलब कुछ भी होना, तो उसमें फ्रस्ट्रेट होना नहीं है, इरिटेट होना नहीं है, सिर्फ एक चीज पे फोकस बनाओ, वो है एंजॉय, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो चिल हो, सब कुछ करो, मजे करो। तो मैंने सोचा था कि लास्ट एग्जाम वाली जो वीडियो होगी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है गाइस कि मैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ कॉलेज से रिलेटेड, मैं कुछ भी क्वेश्चन क्लियर नहीं करती हूँ, उसके रिप्लाई नहीं करती हूँ, इस तरह के बहुत नेगेटिव भी कमेंट्स आए इंस्टा पे। तो किसी लड़की से मेरी थोड़ी सी मतलब ऐसी बातें, मैंने अपने तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन उसे ऐसा कुछ नेगेटिव लगा, एटलीस्ट उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों, मतलब चलो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं जिसका कमेंट है, उनका नाम है वर्ड C54 करके, लिखा इन्होंने प्लेसमेंट नहीं मिला। देखो ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा है, प्लेसमेंट मिला नहीं मिला, क्यों प्लेसमेंट के लिए ट्राई नहीं किया। तो मुझे जो जॉब चाहिए थी वो आउटसाइड ही चाहिए थी, इसलिए मैंने प्लेसमेंट का इतना ज्यादा कुछ ट्राई नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं कि प्लेसमेंट, 3 महीने पहले से कंपनीज आ रही है, अभी भी कंपनीज आ रही है, इनफैक्ट अभी तो 2-1 घंटे पहले 2-3 कंपनी के और मैसेजेस आए हुए थे ग्रुप में, तो मैंने कोई में अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं कि प्लेसमेंट मिला नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चित्रांजन सिंह का, मुझे एडमिशन लेना है MBA में BBD यूनिवर्सिटी में, क्या प्रोसेस है आप बता सकती हैं? हाँ मैं बता सकती हूँ ऑब्वियसली, और सॉरी आप लोगों के जो मैसेजेस हैं ये बहुत दिन के हैं जो मैंने रिप्लाई नहीं किया हुआ है। तो यार देखो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, आपको कॉलेज विजिट करना है, आपको जब मैंने एडमिशन लिया, मैं आपको बताऊँ 5000 सिक्योरिटी मनी लगी थी और 8000 रुपीज आपके एडमिशन टाइम पे आपको देना पड़ता है, उसके अलावा एडमिशन फी होता है वो आपका, उसके अलावा आपका जो
फीस होगा वो आपको सबमिट करना होगा। जरूरी नहीं कि आप तुरंत ही सारी सबमिट करो। आपको बता देंगे कि इस टाइम पे आपको कितनी देनी, इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हो। उसके अलावा आपकी आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, या फिर कोई और आईडी प्रूफ है वो ले सकते हो। आपकी एक फोटो होनी चाहिए, आपके आप एमबीए में ले रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको चाहिए होगी 10th एंड 12th की मार्कशीट। प्लेसमेंट कॉलेज में नहीं है क्या, सेम इन्हीं का मैसेज दूसरा आया हुआ है, मतलब कमेंट आया हुआ है। तो प्लेसमेंट कॉलेज में है, ठीक ठाक प्लेसमेंट है, अच्छा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिंपी सिंह का। इनका है, आप कौन से हॉस्टल में रहती हैं और रेंट क्या है। एक्चुअली हॉस्टल में मैं पहले रहती थी, अभी मैं पीजी में रहती हूँ। इसमें रेंट जो है वो पड़ता है हमें, अगर फूड को निकाल के हम करें तो 3500 करके मेरा रेंट पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले करके उसमें इंक्लूड करके। अगर एक्स्ट्रा कुछ आएगा तो वो आपको हमें बता दिया जाएगा, लेकिन यही हमारा फी है। उसके अलावा खाने पीने के जो एक्सपेंस होते हैं वो और ज्यादा होते हैं, तो वो इंक्लूड करके मैं नहीं बता रही। नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है रौनित सिंह का, कॉलेज नहीं जाती हो क्या आप। देखो पिछले कुछ दिनों से ही मेरे एग्जाम चल रहे हैं, पहले सेशनल चला, फिर उसके बाद सेमेस्टर चलने लगा, तो इस बीच में कॉलेज नहीं जाना होता, एग्जाम देके हम चले आते हैं। तो इसमें बीच बीच में बहुत सारा गैप भी था, तो बहुत सारे ब्लॉग्स को देख के लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं कॉलेज नहीं जाता। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने ऐड किए हुए हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पड़े, सब पर रिप्लाई करूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था किसी को बहुत ज्यादा वो हो गया था, एक लड़की को, कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो उसकी स्टोरी ये थी। उसने मुझे एडमिशन तो उसके जो मैसेजेस थे स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ आउट ऑफ टॉपिक जा रही है, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, और पूछने का एक सेंस होता है आपके कि आप क्वेश्चंस किस तरीके से किससे पूछ रहे हो, आपके सामने वाला आपसे कितना बड़ा है, आपका सीनियर है, जूनियर है, इक्वल है, क्या है। आप उस चीज को देख के तब उसमें जो वर्ड्स यूज करते हो ना, आप उसको क्या, मतलब क्या बोल रहे हो, एज अ दीदी बोल रहे हो, मैम बोल रहे हो, आप उसको क्या बोल के सामने वाले से बात कर रहे हो, वो मैटर करता है। वर्ड्स है जो मुझे सही नहीं लगे, मैंने उसका वैसे ही रिप्लाई किया जैसे उसका मैसेज आया, और बहुत सॉफ्ट, मतलब एक बहुत अच्छे और पॉजिटिव वे में उसका रिप्लाई किया। उसने जो क्वेश्चंस पूछा मैंने बताया, लेकिन उसके क्वेश्चन पे क्वेश्चन बढ़ते ही जाते हैं। आई नो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों का मैंने क्लियर किया है, बहुत बच्चों से, मतलब बहुत छोटे अपने जूनियर से बहुत अच्छा बॉन्ड है, मेरे लिए सारे के सारे छोटे भाई बहन है, तो उनसे मेरी कोई पर्सनल ऐसी दिक्कत नहीं है यार। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझसे पूछते हो, और मैं बहुत ज्यादा लकी फील करती हूँ कि मैं आप सभी के लिए हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप लोगों से। लेकिन ऐसी नेगेटिव चीजें अपने दिमाग में रख के मत किया करो, जैसे क्वेश्चन पूछोगे आपको वैसा रिप्लाई मिलेगा। इनफैक्ट मेरे तरफ से तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अपने मन में बहुत लोग ने वहम पाल रखे हैं कुछ अलग अलग तरीके से, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसी ही चीजें थी जो ना ही डिस्क्लोज करूं आगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बाय द वे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। दिमाग में थोड़ा पॉजिटिविटी हमेशा रखा करो आप लोग, ये मेरी छोटी सी गोल्डन टिप है यार। बाकी चलो अगले वीडियो मिलते हैं, कल वाइवा है, कल मिलते हैं।